वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। तो चलिए आज बैंक निफ्टी का पहले एनालिसिस कर लेते हैं। अगर डेली कैंडल हम देखेंगे तो हल्का सा वीक दिख रहा है, एक डोजी टाइप कैंडल डेली में बैंक निफ्टी ने दिया है क्लोजिंग। और कंपेरेटिवली अगर देखेंगे निफ्टी का तो निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, क्योंकि 50% के ऊपर दो कैंडल बैक टू बैक ग्रीन दिया है मार्केट ने। और बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो ये वाला जो पुल बैक आया था उसके बाद में ये वाला एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, और आज एक इनसाइड टाइप ही कैंडल और डोजी टाइप कैंडल आज बनाया है। तो चलिए 15 मिनट्स में देख लेते हैं। लेवल तो वैसे मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, क्योंकि मैंने जो मार्किंग किया है लेवल्स का वो अभी तक वैलिड है, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं है अभी तक। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो चलो आज क्या किया मार्केट ने देखते हैं, और कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो मार्केट ने में अगर देखेंगे आप, आज जितना मोमेंटम था नहीं, ये वाला पहला जो मोमेंटम आया उसके बाद में पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा है, क्योंकि अभी एक्सपायरी आने वाली है मंथली, तो प्रीमियम एडजस्टमेंट भी अभी चल रहा है शायद, इसीलिए मार्केट को साइडवेज रखा है। तो प्रीमियम डीके का फैक्टर अभी काम कर रहा है, तो ये मैंने बात टेलीग्राम चैनल पे भी दिया था कि प्रीमियम एडजस्टमेंट चल रहा है, तो अभी कोई ट्रेड मत लो सेकंड हाफ में, क्योंकि मूवमेंट होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने वो बोला था बात। तो बस ये वाला जो एक मूवमेंट है, तो बस यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाके क्लोज दिया है, और ये वाले जो है अपने इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले, पिछले लेवल जो है अपने आ चुके हैं। ऊपर वाला जो अपना टारगेट है वो अभी तक पेंडिंग है, ये वाला तो आ गया है, इसके ऊपर मैंने कुछ लेवल नहीं दिया हुआ है अभी तक। तो अगर कल क्या हो सकता है, कल के लिए कौन से लेवल इम्पोर्टेंट होने वाले बात कर लेते हैं। चलिए, तो मार्केट अगर कल इसी जोन में मार्केट ओपन होता है फ्लैट, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, तो जो मैंने कल के एनालिसिस वीडियो में मैं भी बोला था कि 48,000 के ऊपर ही बाइंग बनेगा, तब तक कोई बाइंग सिनेरियो नहीं बनता है, क्योंकि ये एक लेवल इम्पोर्टेंट होने वाला है 47,400, और ऊपर की साइड में 48,000 इम्पोर्टेंट लेवल होने वाला है, क्योंकि सेलर जो है ना यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे कॉल, और यहाँ पे पुट सेल करके बैठे होंगे। तो इम्पोर्टेंट रहेगा इसके नीचे मार्केट निकले या इसके ऊपर मार्केट निकले, तभी एक मूवमेंट आ सकता है, ये बड़ा वाला मूवमेंट। और शायद लग रहा है कि वो जो अपना मंथली एक्सपायरी उसी दिन होने वाला है। हाँ, तो एक और बात, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है ना, इनका एक्सपायरी जो बैंक निफ्टी का वेनसडे को होता है, तो वो कल नहीं है, मंथली एक्सपायरी होने वाला है, तो दोनों का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एक्सपायरी जो है थर्सडे को ही होगा, तो कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है। तो ये वाला जो लेवल है इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से ऊपर 48,000 के ऊपर ही लॉन्ग बनेगा, और नीचे की साइड अगर डाउन साइड जाना है हमें, पुट साइड के लिए ट्रेड करना है, तो 47,400 के नीचे हम ट्रेड का सोचेंगे पी साइड के लिए। उसके नेक्स्ट टारगेट जो रहेंगे यहाँ पे, अगर गैप डाउन ओपन होता है 47,400 के नीचे, तो हम सीधा ही पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। तो टारगेट हमारा ये वाला रहेगा 46,980, ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकेंड टारगेट जो होने वाला है 46,758.60 का, और थर्ड टारगेट जो रहेगा 46,658 का। ये वाले नीचे की साइड के लेवल्स होने वाले, और ऊपर की साइड में जो है 48,000 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, तो हम बुलिश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मूवमेंट, जब तक ये 48,000 को क्रॉस करके होल्ड नहीं करता है तब तक। तो ऊपर की साइड में जो है लेवल्स लाइव मार्केट में आपको मिल जाएंगे। और ये जो पैटर्न मैं बोल रहा था, यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये जो है हेड एंड शोल्डर का पैटर्न मुझे दिख रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर इसको इस तरह से हम मार्क करें, और इसको यहाँ पे ले, तो एक बढ़िया सा इम्पोर्टेंट पैटर्न ही है, ट्रेडिशनल एकदम बढ़िया। तो इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है हेड एंड शोल्डर टाइप, लेकिन वो वैलिडेट तभी होगा, मतलब जब 48,000 के ऊपर सस्टेन करेगा। और इसका अगर हम टारगेट निकाले, तो बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट निकल के आ रहा है, जो कि हमें नेक्स्ट मंथ में शायद देखने मिले नए साल में। तो देखिए, इसका अगर हम टारगेट करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये 49,000
270 के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है ना हेड एंड शोल्डर इसका, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन भी लिया था। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग रहेगा जो ये इंपॉर्टेंट ही लेवल होने वाला है 48,000। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो ये वाला टारगेट जो है हमें अगले मंथ में न्यू ईयर में देखने मिल सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो चलिए निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी का मैंने कल ही बोला था कि 50% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो अभी तक निफ्टी बुलिश दिख रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे स्टेज पे नहीं है कि हम पूरा प्रिडिक्ट करेंगे कि यहाँ से बुलिश ही होगा मार्केट। तो जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, जो कि 21,500 जो लेवल है, इसके ऊपर ही फर्दर टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके भी मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं मेन टाइम फ्रेम में, मैं आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ उसका। मैंने ये देखो निफ्टी में भी आज अगर देखेंगे, सुबह जब ओपनिंग हुआ मार्केट यहाँ से, यहाँ पे कल भी मैंने एनालिसिस वीडियो में बोला था, यहाँ पे फ्लैट अगर ओपन होगा इसके ऊपर हम एक लॉन्ग करेंगे। तो हमने एक टेलीग्राम चैनल में एक ट्रेड दिया था ये वाला, जो कि काफ़ी अच्छा चला है। तो ये बैंक निफ्टी में भी अगर ये देखेंगे तो यही एक मोमेंट मार्केट में मिला है, उसके बाद में निफ्टी भी साइडवेज ही गया है। तो निफ्टी के लिए भी अगर इम्पोर्टेंट लेवल कल होने वाला है ये वाला 21,480। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो हम अपर साइड के लिए 588 का हम टारगेट करके चल सकते हैं। ये वाला हमारा टारगेट रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट जो है हमारा 530 का रहेगा, ये 530 का 21,530, और सेकंड टारगेट जो है 588, ये हमारा ऑल टाइम हाई जो है ये वाला सेकंड टारगेट रहने वाला है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो पी साइड के लिए अगर पोजीशन बनाना है, पी साइड के अगर पोजीशन बनाना है तो 21,350 के नीचे ही जब तक मार्केट निकलेगा नहीं, तो हम पी साइड के लिए पोजीशन नहीं बना सकते। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आता है और 350 अगर 340 से लेके 360 से लेके 350, 21,350 360 अगर क्रॉस करता है, तो ये वाला जो है हमारा टारगेट हो सकता है 21,250। 100 पॉइंट्स का ये जो डाउन साइड का मोमेंटम है, ये हमें देखने को मिल सकता है, जो कि ये वाला डेलो है परसों का, ये टेस्ट मार्केट कर सकता है एक बार के लिए। उसके अगर नीचे निकलता है तो सेकंड टारगेट हमारा 21,210 का रहेगा, और उसके अगर नीचे निकलता है तो 21,100 का ये टारगेट हमें देखने मिल सकता है। लेकिन ज़्यादातर हो सकता है कि कल मार्केट साइडवेज ही रहे इसी तरह से, और या इसी बीच में रहे 21,500 और 300, ये एक रेंज है 200 पॉइंट का, तो इसी के बीच में मार्केट साइडवेज जा सकता है या थोड़ा सा ऊपर नीचे यहीं पे करेगा। और जो ट्रेंडिंग मूव आने वाला है वो मंथली जो एक्सपायरी है परसों के दिन, थर्सडे के दिन, उसी दिन शायद आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। जैसे कि आज ये हल्का सा एक मूव करके साइडवेज गया, वैसे कल भी शायद हो सकता है कि मार्केट साइडवेज ही रहे। या तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि मंथली एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट ट्रेंडिंग होता है, तो वैसा भी हो सकता है। तो निफ्टी का अगर देखेंगे तो क्लोजिंग बहुत ही अच्छा दिया है, ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग मिला है हमें आज। तो कल इंटरेस्टिंग रहेगा, कल 21,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है या नहीं करता है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हमें नया ऑल टाइम हाई शायद देखने मिले। तो हमारा जो ऊपर का टारगेट है ये वाला अभी तक आया नहीं है 22,000 का, ये हमने मार्क करके रखा हुआ है। तो ये था आज का एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये वाला मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स, ये इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे हम डेली एनालिसिस वीडियो मार्केट के इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के तीनों को इम्पोर्टेंट लेवल हम शेयर करते हैं, और लाइव ट्रेडिंग भी होता है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये लर्निंग चैनल, लर्निंग पर्पज़ के लिए हम लेवल्स भी प्रोवाइड करते हैं, डेली एनालिसिस भी करते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, तो जब भी हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम कुछ स्विंग ट्रेड्स भी प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, और ये
ये चैनल का नाम है गोल्डन बुल्स। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है QR कोड राइट हैंड कॉर्नर में, इसको आप स्कैन करके, मोबाइल से स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वीडियो के नीचे जो लिंक होता है वो अभी तक क्लिकेबल नहीं है, इसलिए ये QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।